नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक मुस्लिम अगर जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारों को बुलंद करता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता है, ये आप एहसान राव को देखकर समझ सकते हैं। देवबंद के रहने वाले ये वही एहसान राव हैं जिन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में दहाड़ते हुए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे बीच में तकरीबन 50 साल से पार्टी की सेवा कर रहे सलमान भाई बैठे हैं, वो आपको बाखूबी जानते हैं, वो बता देंगे। साथियों, हम सबका यही कहना है कि मिलजुल कर चलो और आओ और समझने का काम करो कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और आप लोगों को किरत सिंह जीतने जा रहे हैं, आप लोगों का सहयोग होगा तो और बड़ी जीत होगी। किसी के बहकावे में नहीं आए, सारी उम्र हो गई हमें, 70 साल हो गए कारी परिवार की गुलामी करते हुए, दिल में चाटते हुए। साथियों, मैं भी उसी परिवार के पीछे खड़ा था, लेकिन जब उनके सच्चे जानोगे तो कुछ और पता लगेगा। साथियों, कोई प्रत्याशी आप लोगों के टक्कर में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। माननीय योगी जी की जब से सरकार आई, देश में गुंडागर्दी खत्म होने का काम हुआ। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा बिल्कुल जमीन पत्थर के काम कर रहा है। साथियों, एक काम मुझे बता दो, कोई सड़क बनी उस पर रोक गए, इसमें मुसलमान नहीं चलने, हिंदू चलेगा? या कोई ऐसा काम हुआ हो, पानी की टंकी लगी हो जिसमें रोका गया हो कि इसका पानी हिंदू पिएगा मुसलमान नहीं पिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, जितनी भी योजना आ रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली, हजारों माताओं बहनों को गरीबों की पीड़ा जानने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हजारों माताओं बहनों को गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने का काम हुआ। आयुष्मान कार्ड बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया, गरीब की पीड़ा को जाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज माननीय मोदी जी ने देने का काम किया। आप लोगों के बीच में आया हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ, यह मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप सभी मेरे ताया चचा है, ये मेरा घर मेरा परिवार है। आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाना है। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ उत्पीड़न या किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा, उसका काटने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, आपकी जो भी समस्या हो, माननीय प्रधान जी बैठे हैं, हम लोग हैं, हम आपकी लड़ाई दिल्ली से लखनऊ तक लड़ने का काम करेंगे। साथियों, आपको इस गाँव में बैठे एहसास होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप सर उठा करके जीना चाहते हो। मोदी जी की सरकार ने गरीब को अमीर को एक सम्मान देने का काम किया, जी बच्ची सबकी सुख गए, कोई डरने की जरूरत नहीं। जैसे गंगो जाते हैं, पहले डर लगता था कि 8 बज गए हैं, मगरिब का बाद हो गए, गंगो रुके एक गांव में जाए, अब ऐसा डर नहीं। अगर रात की 10 भी बज रहे तो आप सीना छोड़ा करके गांव में आने का काम करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके भरत में ना जो भरत फैला रहे हैं, उनके लालच में बिल्कुल ना हो कि बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी। 6-7 साल सरकार बने होंगे, एक मुसलमान बता दो जो पाकिस्तान गया हो या किसी के साथ जुल्म हुआ हो। जो जुल्म करते हैं, जो बदमाश है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो किसी भी सरकार में है, वो बकवास नहीं चाहिए। और माननीय योगी जी का बिल्कुल साफ सुथरा फैसला है, जो बुरा करेगा उसके साथ इलाज जरूर होगा। जब से एहसान राव ने शाह की रैली में जय श्री राम के नारे लगाए हैं, मानो कट्टरपंथियों के दिलों में आग लग गई है। यही वजह है कि एहसान राव को अब उनके जय श्री राम वाले उद्घोष की वजह से खुलेआम धमकियां मिलने लगी हैं। यही वजह है कि खुद एहसान राव ने पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। उनकी इसी मांग को योगी राज में गंभीरता से लिया गया और तुरंत सुरक्षा का इंतजाम किया गया। इस मामले में सहारनपुर के SSP आकाश तोमर ने बताया, पिछले दिनों सहारनपुर में आयोजित रैली में एहसान राव के कुछ नारेबाजी की थी, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रहे थे। इस संबंध में एहसान राव ने सहारनपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। एहसान राव के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने उन्हें बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया है। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे की वजह से लगातार मिल रही धमकियों के बाद एहसान राव को योगी राज में प्रशासन ने सुरक्षा तो दे दी है, मगर खुद एहसान राव का मानना है कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर कोई गुनाह नहीं किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के रहने वाले एहसान राव पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं।
साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के साथ भी नजर आ चुके हैं। साल 2019 के आम चुनाव में तो उन्होंने बीजेपी के लिए वोट भी मांगा था। बहरहाल अमित शाह और सीएम योगी की जिस रैली में एहसान राव ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, देखिए उस रैली में अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। Let's go.